फल फल में आता है वाला नहीं है क्या वृक्ष, फल को छील के निकालते हैं, जो फल के अंदर हरा कलर का फल रहता है जो पानी में डाल देंगे 10 मिनट, हाँ ये मुलायम हो जाएगा। कौन सा भाई बाल कलने आ रहा है? बाल सफेद हो रहा है मेरा बार बार है? ये शैम्पू आता है, वो तेल आता है बालों में। काला होने काला एनी टाइम रहनी चाहिए। जो जड़ से सफेद हो गया ना वो काला नहीं होता है। जो पूरा जड़ से सफेद हो गया ना वो काला नहीं होता है, मतलब बस काला जो है वही काला रह जाएगा बस। ये कितने का? ये 2 रुपए का, 3 रुपए का, 3 है तो वही मार्केट से ज्यादा है। अच्छा नेचुरल है। परम सम्मानी श्रीमती मीना देवी केसरवाली परिवार सहजमान के लिए आरती में सम्मिलित होंगे। परम सम्मानी श्री राजू भाई कल्पना बेन आप श्री पधारे हैं। परम सम्मानी श्री विजय परिवार यहाँ पर आदित्य के उपस्थित रहेंगे। साथ ही परम आदरणीय श्रीमती लीला देवी मनोज कुमार जी आप श्री पधारे जगह तो बना दूं आने की आप श्री पधारेंगे। परम सम्मान श्री हरिशंकर जी पंडे श्रीमती पंडे आप श्री पधारेंगे। श्रीमती नौनजी भाई सम्मानित श्री गिरीश जी सम्मानित श्री तरुण जी प्रियांशु जी साहू परिवार आरती में सम्मिलित। इसका
अर्जुन गए ऋषि को लेकर युद्ध करके रस्सी से बांध के से ले आए। सब लोग इसकी जगह देख करके बड़े खुश थे। अच्छा पकड़ा गया उसको मार डाला, पर उस समय एक दया की मूर्ति थी, एक दया की देवी थी, जिसने हाथ जोड़ करके अर्जुन को कहा कि हे स्वामी मुच्यताम उच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, मत मारो इसको, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है। दोनों सम्मान उपाधि से जुड़ी हुई है, एक तो ब्राह्मण और दूसरा गुरु पुत्र, दोनों ही बड़े सम्मान की उपाधि है। इसको मारने का हमारा माताओं के वैसे तो और भी होते, पर स्त्री रूप में ये तीन है जिन्होंने सिद्ध किया कि जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति, द्रौपदी के जीवन में क्या कम परिस्थिति आई, जहां चमू और अंधकार दिख रहा था, जहां लगा कि अब तो बस मेरी लाज जाने वाली है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अपने बचाव के लिए जितना प्रयास कर सकती थी किया, अपनी लाज बचाने की जितनी कोशिश हो सकती थी इतनी की, लेकिन जब लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे संभाले संभलने वाली बात नहीं है, बात बड़ी आगे निकल चुकी है, तब उस द्रौपदी को समझ आ गया कि अब रक्षा करने वाले मात्र द्वारिकाधीश हैं। तो
दोनों हाथ उठा के भगवान का नाम लेकर के भगवान को पुकार और जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान अपने सारे कार्यों को छोड़ करके सारी व्यस्तता को छोड़ करके आज भरी सभा में आज तक भगवान का राम रूप देखा, कृष्ण रूप देखा, वामन रूप देखा, आज भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? आज भगवान साड़ी बन करके आया, वस्त्र बन करके आया, वसन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके श्री ठाकुर जी आए। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां ना आती, जरूर आती है, किसी के जीवन में बहुत आती है, किसी के में कभी कभी आती है, आती सबके जीवन में। कहते हैं ना, जैसे कोई समुद्र पार करना चाहे, कोई नदी पार करना चाहे, तो नदी पार करने के लिए पैर तो भीगेंगे ही, वैसे ही ये जो संसार रूपी समुद्र है, इसमें जब तक कष्ट ना आए, जब तक दुख ना आए, तब तक ये संसार पार नहीं उतरा जाता। इस संसार में कष्ट तो आने ही आने, और जब कष्ट आए ना, तो बस यही कथा याद रहे। हम क्या होता है, जब कष्ट आते हैं, जब दुख आते हैं, तो हम बाहर भागते हैं, बाहर वालों के पास भागते हैं, मदद मांगने भागते हैं, और उनसे मदद मांगते हैं जो खुद सामर्थ्यवान नहीं है आपकी मदद करने के। होते तो अपनी मदद खुद भी ना कर लिए होते। तो अगर मदद मांगनी है तो सर्व सामर्थ्य भगवान से मांगो, जिसके पास ये शक्ति है कि वो तुम्हारी हर कदम पर, हर पल शिव तुम्हारी मदद कर सकता है।